स्टार्ट गिनाऊंगा ना भोसड़ी के वाइपर रौनक और ओवेस ने गांड मार के कैरी किया है, कैरी हुआ है, समझा ना मोटल ब्रो? व्हाई टॉकिंग अबाउट मोटल? बिकॉज़ देयर फकिंग ऑडियंस. Shout out to Rum Clan, Sandy Sun, thank you so much. Is there any controversy between you and Scout? The controversy is created by Janta. Like a bell cut. चार दो का प्रूफ भी क्या है भाई? इन लोग ड्रीम है गिन रहे, ड्रीम है क्या भैया? पता है हाई स्किल किसके थे? हाँ पता ना हो तो चार दो, मैं गिना दो भाई चार दो, एक और लिख के दे दो चार दो, मैं कौन सा मैं जान जाऊं. पीक कर दी कहाँ चली चार दो? अरे प्रूफ भी तो चाहिए भैया, प्रूफ भी तो चाहिए, प्रूफ दे चल, जितने भी लिख रहे प्रूफ दे दे, चला जा. इतने बंदे ये लिख रहे ना कि भाई चार दो चार दो चार दो का प्रूफ क्या है? अचीवमेंट आग बंद. अबे सही है, तो लॉजिक समझा, चार दो चार दो चार, मैं तो अभी दो ही गिन रहा हूँ, मैं तो दो दो नील गिन रहा हूँ, मैं तो खुद बनता हूँ दो नील गिन रहा हूँ. पीएमसीओ पीएमआईटी नहीं, पीएमआईएस पीएमसीओ, बस ये तो गिनता हूँ मैं. और ये तो मैं भी एमवीपी कौन था? रौनक वाइपर, नहीं रौनक वाइपर उवेश. और कुछ गिनाऊँ? हाई स्किल कौन था? सर्वाइवर कौन था? बाहर की पब्लिक क्या बोलती है? इंडियन बॉट्स. वाय? क्योंकि तुम्हारे से चूतिया भरे हैं, समझ में आया? 16-1 में है. ट्रॉफीज कहाँ है? चार ट्रॉफी कहाँ है? गिना तो सही में, मैं चाहता हूँ गिना भाई, मैं चाहता हूँ गिना. यार स्टैट्स की बात कर रहे ना भैया, स्टैट्स में बात करो ठीक है. बट अभी गिनाऊंगा ना तो गान मारूंगा ठीक है, मैं ऐसा उंगली मत करना फ्री फंड का. हाँ तो दिखा दिया औकात, आज तक तुम्हारा बाप दिखा रहा था औकात, आज तक बता, चार दिन से तुम्हारा बाप औकात दिखा रहा था ये करके. ब्रो व्हाई टॉकिंग अबाउट मोटल? बिकॉज देयर फकिंग ऑडियंस इज डूइंग दिस थिंग. मृणाल गोनाकर कैन यू अंडरस्टैंड दिस शिट? फ्रीकिंग 3 days इट्स बीन गोइंग ऑन. अगर तुम बोल रहे हो मैं अब्यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके तुम देख लो, यहाँ पे मैं कुछ भी खेलू, इनके गांड में चुल क्यों है मोटल स्पैम करने का बताओ? इन लोग की कंपेयर किया ना ओके, वो ट्रॉफी जीता तू क्या क्या है, तो मैं भाई अब मैं भी कंपेयर करूंगा, मैं चूतिया चुप रहूंगा? अब बताओ मृणाल, रोज आके इन लोग स्पैम करते हैं, रोज आके कंपेयर करते हैं कि मोटल जैसा बन नहीं सकता तू, मोटल ये है मोटल वो है. अबे भैंचोद मैं कभी कुछ बोला मोटल का आज तक? तुम अपनी माँ चुता ना के मेरे को बोल रहे हो रोज 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 रोज, तुम अपनी गांड बनाने बोल रहे हो लौड़े, तुम्हारे चक्कर में मेरी मोटर की दोस्ती बिगड़ी, माँ चुदा वो चीज. अब तुम्हारे दिमाग का भूखड़ा हो गया है. मोटर को भी इतना होना चाहिए ना कि मोटर अपने ऑडियंस के लिए बोल दे कि ये चुटिया मत करो, वो क्यों शांत रहता है? उसको भी तकलीफ रहना चाहिए इतना. हर रोज का नाटक हो गया भाई, हर रोज का नाटक. चुतिया के आदमी जो रोज सुनेगा भैंडचोद. अरे लौड़े करो अनसब्सक्राइब, मुंह पे बोलता हूं. Shout out to Rum Clan, Sandy Sun, thank you so much. Is there any controversy between you and Scout? The controversy is created by Janta. Can't do anything. Miss Crack, it's fine. Absolutely fine. Akhil Mudgal, your blind follower started spamming Mortal on Scout stream. Comparing him to you being silent is okay, but up to a point. Please make them understand to respect everyone. Hope you will take some good decision and won't stay quiet. Akhil Mudgal, mera ispe ek hi cheez kehna hai ki... हाँ खेलेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल पे ऐसा कुछ स्ट्रीम होता है, यू नो हर एक कुछ भी क्रिटिसिज्म या कुछ भी रहेगा ना, यू हैव टू लुक फॉर अ पॉजिटिव सोल्यूशन टू इट. क्योंकि आप अगर किसी भी आप मेरे पे कोई भी एक ये डाल दीजिए, क्या बोलते हैं, एग्जिट कर दिया रेबल, आप मुझ पे कोई भी एक सिचुएशन डालिए, आई विल ट्राई टू फाइंड अ पॉजिटिव आउटकम आउट ऑफ इट. एंड फर्स्ट थिंग ये होती है कि यू हैव टू थिंक एंड देन मेक डिसीजंस. एकदम से ये रेबेल पक्का है, इसने हगा है गंदा वाला, ये वो है ना रेबेल लेंडी ने मिस किया है गंदा, वो व्हाट्सएप खोला हुआ है अपना पक्का. हाँ
अच्छा लगे, माइनस ही तो लगेगा और क्या, ज्यादा से ज्यादा। सही है, सही सही बात। राजा पटेलो सो वन थिंग इज दैट ऑब्वियसली गाइस, अच्छा होगा कि आप स्पैम ज्यादा ना करें, कंपैरिजन तो करो ही मत, दैट्स गोना बी द बेस्ट थिंग अगर आप कंपैरिजन नहीं करोगे। बट देन दिस इज फॉर एवरी अदर पर्सन, दिस इज फॉर एवरी पर्सन जो मतलब आपको भी बोल रहा हूँ मैं, व्यूअर्स को भी बोल रहा हूँ, एंड टू एवरीवन, टू अ ई स्पोर्ट प्रोफेशनल, टू अ स्ट्रीमर, टू एवरी पर्सन, दैट यू ऑलवेज हैव टू थिंक ऑफ अ पॉजिटिव आउटकम आउट ऑफ एनी सिचुएशन, एंड दैट इज वॉट इज गोना हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म डैमेज लोगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं करेगा वो, एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी लोगे तो लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं करेगा वो। यू हैव टू कीप एवरीथिंग।